माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, नगर निगम एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी के विजन पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पथ विक्रेताओं की आजीविका प्रभावित हुई है, जिसके दृष्टिगत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए 5,000 करोड़ की ऋण की व्यवस्था की है। उस ऋण के सापेक्ष स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में ऋण की सुविधा के लिए सर्वे चिन्हांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा योजना में लाभ लेने के लिए भरे जाने वाले प्रारूप को इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण किया जाए तथा योजना में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल रूप में भुगतान लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर आयुक्त डीके सिन्हा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह, पीओ डूडा तेज कुमार, सेट्रान माइक्रो फाइनेंस से अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत कार्यशील पूंजी दिए जाने हैं। ये योजना जो है 1 जुलाई से जो एनबीएफसी बैंक के हेड हैं वो आए हैं, जिससे सिन्हा साहब और इनके साथ लगभग 12 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रारंभ हम लोग जो है यह योजना पूरे सभी निकायों में लागू है सर। नगर निगम में नगरायुक्त पौधे अध्यक्ष हैं और निकायों में यू साहब लोग अध्यक्ष हैं और यहाँ पर पूरा नोडल जो है स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में छूटा है और स्टेट में छूटा है। इसके साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को जो फार्म भरवाना है सर, तो फार्म हम लोगों के लिए ऋण आवेदन पत्र मिल गया है जिसको हम लोग छपवा कर सभी निकायों में वितरित करा दिए गए हैं। जो चार लोगों के माध्यम से जो पटरी व्यवसायी हैं उनको फार्म भरवाए गए थे और यहाँ पर भी हमारे नगर निगम में सभी निकाय में आपके निर्देशानुसार सभी वार्डों के लिए नोडल अधिकारी आरआई नगर आयुक्त साहब के माध्यम से सब हम लोग अभी प्लान बना लिए, उनको चैनल करेंगे, वो फार्म भरवाएंगे और एक ऐप आ रहा है सर, उस ऐप के माध्यम से फार्म जो इंग्लिश में फार्म है सर, उस फार्म को लाभार्थी स्वयं भर नहीं पाएंगे सर, कोई ना कोई स्टाफ नहीं वो इसलिए है सर कि वो ऐप जो है वो इंग्लिश में है सर, उसमें इंग्लिश मिस्टेक होगा तो उसमें चेकअप के आधार पर हो गया जाएगा। भारत सरकार से ही ऐप आधार पर सर, उस ऐप में ये जो फार्म जो है सर उसमें कंपनी के जो एजेंट होंगे सर उसमें इनका वो पहले ही है, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री आवास वाले देखने वाले लड़के को भी लगा सही है जिनको हम पैसा दे इसके साथ हम लोगों के यहाँ सर अब तक जो है लगभग 16,000 लोगों का हम लोग डाटा जो है तैयार कर लिए हैं अकाउंट के साथ लिए हैं 15,000 ये इतना फॉर्म हम लोग ये ऋण आवेदन पत्र और स्वरोजगार सर्टिफिकेट और LOR की काफी इतना काम को भी उपलब्ध करा दिया गया सर। ये सर ये आया निदेशालय नगर विकास से, ये प्रतिदिन रिपोर्ट जारी है सर, इसका प्रतिदिन सारे लोग डाटा देंगे, उसी डाटा पे पांडे हम लोग इसको सेंड करेंगे। ये स्वरोजगार सर्टिफिकेट है सर, जो जो पंजीकृत नहीं है उनको देना है, ये LOR की काफी है। ये वेंडर बहुत ऐसा है कि ऐप पे क्या क्या अपलोड करना है उसको देख लीजिए, उसके दूसरा डॉक्यूमेंट जो अदर देन एप्लीकेशन लगा देते हैं जो वार्ड में
वही सब लोग कैंप लगा देते, वहाँ करके आवेदन दे देगा, आप उनका जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए बैंक डिटेल इंडियन जो भी है वो लेके आएगा, फिर सब रखे देगा, तो आप तुरंत मंजूरी जो भी कराना है प्रोसेस करा के लिए सही करा सकते हैं, तो उसको मनी सही करा दीजिए, एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट करा के लिए। जो जिसको करना है जो करना है जितने भी तो बढ़ते हैं उसको बहुत सही हमारे बहुत से रोल अफसर और जो नया संज्ञा हो गया है।